बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में जो है वो मैं CPM जब आप करते हैं तो उसमें कौन सी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से आपको जो है वो एड टाइप नहीं आता, या फिर जो है वो आपकी अर्निंग एडसेंड में नहीं जाती, या फिर जो है वो आप जितना मर्जी वर्क कर लेते हैं लेकिन डॉलर वही जो है जहाँ पर मंथली जो है वो 0.10 0.20 बन रहे थे वहाँ पर जो है वो $3 से $4 आपके बन जाते हैं इतना ज़्यादा काम करने के बाद। तो आप कौन सी गलतियां कर लेते हैं जिन गलतियों को आप सुधार के आप जो है वो उससे एक अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं। अब गलतियां जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो सबसे पहले जो बहुत ही रियर यानी कि एक होते हैं कि जो बंदे गलती कर लेते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब भी आपने काम करना है आपने वेरीफाइड जीमेल लगा के काम करना है और डबल VPN लगा के काम करना है। प्रोक्सी यानी कि प्रोक्सी भी लगानी है तो डबल, VPN भी लगाना है तो वो डबल। फॉर एग्जांपल आपने एक पेड VPN जो है वो अपनी स्क्रीन में अपने PC में ऑन कर लेना है और दूसरा VPN जो है वो अपने क्रोम एक्सटेंशन में जाके ऑन कर लेना है। ये तो एक बेसिक सी बात है, जीमेल आपने लगा लेनी है। अब करते हैं जी 5 सबसे बड़ी मिस्टेक हैं जो आप कर देते हैं। फर्स्ट पे आते हैं जी टाइम। आप सारा काम कर लेते हैं A to Z जो है वो आप काम कर लेते हैं लेकिन आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम नहीं चेंज कर पाते, टाइम जोन नहीं चेंज करते, या फिर आप भूल जाते हैं जिसकी वजह से आपका जो है वो एड टाइप नहीं आता, नहीं तो आपका चैनल जो है वो पकड़ा जाता है। क्योंकि YouTube जब भी आप किसी YouTube चैनल को ज्वाइन करते हो या फिर Google की कोई मेल जो है वो आप अपने कंप्यूटर में या फिर फ़ोन में लॉगिन करते हो तो Google वालों के पास आपका A to Z डेटा चल जाता है कि कहाँ से जो है ये बंदा लॉगिन कर रहा है, टाइम क्या है इसका, किस टाइम पे इसने लॉगिन किया, किस टाइम पे जो है ये लॉग आउट करा, किस टाइम पे इसने ये वेबसाइट खोली है, किस टाइम पे इसने YouTube चैनल विजिट किया। ये A to Z जो है वो उनके पास डेटा होता है। तो सबसे पहले VPN लगा लिया आपने, प्रोक्सी लगा ली, फिर जो है वो आपने टाइम जोन चेंज करना है। टाइम जोन चेंज करने के बाद आपने जो है वो क्रोम खोलना है। जैसे ही आप क्रोम खोलेंगे तो उन्हें यही पता लगेगा जी भाई ये ऑस्ट्रेलिया का बंदा है, इसका टाइम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक हाँ यही टाइम है। अब आपका टाइम पाकिस्तान के मुताबिक है, आपने प्रोक्सी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की लगाई है, तो अब वो भाईजान उसने एक देखा जी अच्छा ये बंदा है जी ऑस्ट्रेलिया का, जब उसने टाइम देखा तो कह रहा है ये तो भाईजान टाइम ऑस्ट्रेलिया का चल ही नहीं रहा अभी फिलहाल, तो ये नहीं सोचेंगे कि ये देखने नहीं लग जाएंगे ये टाइम जोन कौन सा है, वो डायरेक्ट ही कहेंगे कि भाईजान ये कोई 2 नंबर ही खेल रहा है, आपका चैनल जो है वो उड़ा देंगे। ये एक बहुत छोटी सी गलती। उसके बाद चल जाते हैं जी आगे। अब बहुत से लोग जो है वो क्या करते हैं जी, ज़्यादा अर्निंग बनाने के चक्करों में हर ऐड को जो है वो ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो मेरी वीडियो देखी, वीडियो पे फर्स्ट ऐड चला, उसने ऐड ऑन कर लिया जी, वो पूरा ऐड जो है वो नया खुल गया, वो एक आधा मिनट देखता रहा, नेक्स्ट ऐड खुल गया वो भी उसने ऑन कर लिया, वो भी पूरा देखता रहा ज़्यादा के चक्करों में। तो अब इससे क्या आएगा जी, इससे सिंपल जो है वो आपके एड्स भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे, एक मसला ये आ जाता है, और दूसरा जो है वो आप पे अनवैलिड क्लिकिंग का भी आ जाता है कि आप जो है वो दरा दरा एड्स पे क्लिक करी जा रहे, वीडियो आप देखते नहीं हो इस बंदे की और ऐड जो है वो ऐसे देख रहे हो जैसे स्वाप का काम है। तो ये दूसरी मिस्टेक है, आपने जो है वो बार बार ऐड नहीं देखने। अगर आपकी वीडियो पे जो है वो 50 व्यूज आ रहे हैं ऑर्गेनिक तो आप जो है वो 10 वीडियो पे ऐड देख ले, बाकी जो है वो आप 40 जो है वो आपने जो भी देखना है वो सिंपल ही सिर्फ आपने वीडियो वॉच करनी है, ऐड पे क्लिक नहीं करना। नेक्स्ट पे चलते हैं जी तीसरे टॉपिक पे। तो तीसरा जो टॉपिक है उसमें है जी, जब भी आपने काम करना है आपने ये नहीं कि बहुत से लोग जो है वो जल्दी के चक्करों में क्या करते हैं, वीडियो पे जिस वीडियो पे CPM करना होता है उसका लिंक कॉपी करते हैं, लिंक कॉपी करके देखने लग जाते हैं। लिंक कॉपी करके आपने कभी भी नहीं देखना, इससे जो है वो आपका क्या है जी अर्निंग आपकी ऐड हो जाती है सिर्फ और सिर्फ डैशबोर्ड में आपकी अर्निंग ऐड हो जाती है, बाकी एड टाइप उसका नील होता है, एडसन भी उसका नील होता है। तो ये जब भी आपने काम करना है, सबसे पहले अगर आपने ज़्यादा अर्निंग करनी है तो आपने जो है वो पहले ICPC पे कंटेंट पे काम करना, फिर उसके बाद आपने वीडियो जो है वो गूगल से उठानी है, यानी कि गूगल पे कीवर्ड आपने सर्च करना है, कीवर्ड से आपकी वीडियो आएगी, धन जो है वो आप उठाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपकी वहाँ पर वीडियो नहीं आ रही तो यूट्यूब सर्च से आप अपनी वीडियो लेके आए, यह ना करें कि आप जो है वो लिंक कॉपी करके पेस्ट करके अपनी वीडियोज़ देख रहे हैं, ये तरीका सही नहीं है। चौथी मिस्टेक पे आ जाते हैं। बाकी दो मिस्टेक जो है वो एडसन की है, क्योंकि हम जो है वो CPM एडसन पे कर रहे हैं, MCN पे इतने ये रोले नहीं होते, MCN पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिक 100% वर्किंग होनी चाहिए, बाकी मसले हल हो जाते हैं। एडसन पे भाईजान क्या होता है जी, अब एडसन को हमें थोड़ा बहुत समझना पड़ता है, यानी कि 10 से 12 को आपकी जो है वो पेमेंट YouTube वाले एडसन में भेजते हैं और एडसन वाले बैंक में रिलीज करते हैं जी
22 23 24 25 तक। तो इसमें अब क्या सीन है जी, आपने जो है वो फॉर एग्जांपल अब हम जो है वो बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आते हैं कि आप जो है वो लास्ट में क्यों करते हैं, फॉर एग्जांपल 29 और 30 को वर्क क्यों करते हैं। तो 29 और 30 को वर्क इसलिए करते हैं क्योंकि जो है वो एक को चैनल एक को हम फौरन जो है वो एडसन चेंज कर दें, एडसन चेंज कर देंगे तो अगर जो हमने एडसन चेंज किया होगा वो ब्लॉक हो जाता है और डिलीट हो जाता है, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। हमने जो है वो एक न्यू पिन वेरीफाई एडसन लगा दिया जिसपे हमें पता है जी 10 को जो है वो सारी पेमेंट पिन वेरीफाइड में आ जानी है, पिन वेरीफाइड एडसन में आके हमें जो है वो 25 तक जो है वो हमें पेमेंट मिल जानी है। ज़्यादातर हमें जो है वो इंतज़ार करना ही नहीं पड़ेगा। अगर आपकी जो है वो 10 तक पेमेंट इतना आप सेफ खेल जाते हैं कि 10 तक जो है 10 डेट तक जो है वो आप अपने आप को सेफ रख लेते हैं, आपकी पेमेंट जो है वो एडसन में चली जाती है, तो फिर जो है वो आपको 25 तक आपके बैंक में ट्रांसफर हो ही जाती है। तो ये थोड़ी बहुत मिस्टेक है, माइनर सी यानी कि गलती है, लेकिन हर दूसरा बंदा जो है वो इन गलतियों को कर रहा है, इन गलतियों से बचे। और एक जो है वो बहुत एक बड़ी प्रो टिप ये है कि आप हर एक चैनल पे जो है वो सीपीएम ना कर दिया करें पकड़ के, आप जो है वो स्पेसिफिक चैनल बनाया करें, हाई सीपीसी टॉपिक के चैनल ढूंढा करें, उस पे जो है वो सीपीएम करा करें। उससे आपको क्या फायदा होगा कि अनवैलिड क्लिकिंग आपको ना आने के बराबर हो जाएगी, क्योंकि आप जो है वो इतने क्लिक्स ले ही नहीं रहे, आपका कंटेंट ही इतना अच्छा है कि आपको जो है वो ज्यादा क्लिक लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपका ऐसे ही जो है वो सरी जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी से प्रेस कर देना, दुआ में अपने भाई को याद रखना, ढेर सारा प्यार, ओके, अल्लाह हाफिज़।